हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। यस्टरडे वी डिस्कस्ड थ्री टाइम्स फोर एक्शंस एंड 12 टेंसेस इन इंग्लिश। वी आल्सो डिस्कस्ड बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मे बी देयर एंड ऑब्जेक्ट मे नॉट बी देयर। जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी क्लॉज में, वो है वर्ब। वर्ब के बिना ना तो कोई सेंटेंस पूरा होता है और ना तो कोई क्लॉज पूरा होता है। वर्ब दो चीज़ पे डिपेंड करता है, टेंस पे और सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट कोई ना कोई पर्सन होगा। इंग्लिश में तीन प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट राम, आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट सुरेश। इसमें तीन पर्सन मिलेंगे आपको। हु इज टॉकिंग, आई एम टॉकिंग, यानी जो बोल रहा है आई, वो फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बात की जा रही है, लिसनर, जिससे बात की जा रही है। आई एम टॉकिंग टू यू, यू सेकंड पर्सन। और किसके बारे में बात की जा रही है, अबाउट राम, अबाउट सुरेश या किसी के बारे में भी। तो जिसके बारे में बात की जा रही वो थर्ड पर्सन। ये पर्सन भी जो है सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल वी यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट एंड नेम, प्लूरल दे दीज दोज और नेम्स। इनके हिसाब से जब हम टेंसेस करेंगे तो ये पर्सन टेबल जो मैंने बनाई है इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बनाइए, अपनी नोटबुक में लिखिए इसको और फिर जो है नोट्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। इनके हिसाब से वर्ब यूज होती है। यहाँ पे मैंने पर्सन के हिसाब से वर्ब लिखी हुई है। ये कभी हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं और कभी मेन वर्ब का काम करती हैं। जब सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब दी गई हो तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। जब एक्शन वर्ब नहीं दी गई हो तो ये मेन वर्ब का काम करती है। ये 6 ब्लॉक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हर ब्लॉक में मैंने वर्ब फिट की हुई है पर्सन के हिसाब से। सपोज पहला ब्लॉक है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, आई के साथ क्या क्या सकता है, एम आएगा, पास्ट टेंस है तो वज आ सकता है, डू, टीच, हैव, हैड, यही जो है वर्ब इसके साथ ही हो जाएंगे। सेकेंड ब्लॉक में फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ आर, वर, टू, टी, हैव, हैड। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू के साथ आर, वर, डू, टी, हैव, हैड। सेकेंड पर्सन प्लूरल आर, वर, टू, टी, हैव, हैड, जैसे इधर वैसे इधर। थर्ड पर्सन सिंगुलर इज, वॉज, डज, टिट, हैज, हैड। ये जो पांचवा ब्लॉक है ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करता है हमेशा, और उसमें से भी ये डज और हैज, इसका जरा ध्यान रखना। प्लूरल दे दीज दोज नेम्स, इनके साथ आर, वर, डू, टिट, हैव, हैड।
इसका प्रयोग पर्सन टेबल का प्रयोग कैसे करना है ये आगे आप टेंसेस में पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा मैं बता देता हूं। आई एम टीचिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं आई एम अ टीचर प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई एम टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या आई डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई हैव टेकन माई लंच प्रेजेंट परफेक्ट। इसी प्रकार इसका पास्ट टेंस में भी यूज किया जा सकता है, प्लूरल वी डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश। तो इस प्रकार इनका प्रयोग हम टेंसेस में करेंगे। इसको अपने माइंड में और अपने नोटबुक में दोनों जगह फिट बिठा दो बॉक्सेस के हिसाब से। जो बच्चा बहुत अच्छा काम करेगा उसको विशेष पुरस्कार मिलेगा। थैंक यू।